नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं महाखबर। आप पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं तो हमें सब्सक्राइब करें, शेयर करें। ओम राउत के निर्देशन में बनी आदि पुरुष सिनेमा घरों में रिलीज हुए 22 दिन बीत चुके हैं, लेकिन फिल्म को लेकर जो दावे किए गए वह सभी रिलीज के बाद फेल हो गए। आदि पुरुष में भगवान हनुमान के कुछ संवाद इस तरह बोले गए हैं जिससे लोगों की भावनाएं आहत हुई हैं। त्रेता युग की कहानी को जिस अंदाज में और जिस भाषा में दिखाया गया है वह लोगों को रास नहीं आया। यही वजह है कि मूवी का आंकड़ा हर दिन गिरता जा रहा है। इस बीच आदि पुरुष के डायलॉग मनोज मुंतशिर के सुर अब बदले नजर आ रहे हैं। अभी तक अपने बचाव में बात करने वाले मनोज मुंतशिर ने माफी मांग ली है। शनिवार को उन्होंने ट्वीट कर सभी से हाथ जोड़कर माफी मांगी है। उन्होंने स्वीकार किया कि फिल्म में जन भावनाएं आहत हुई हैं। उन्होंने कहा, हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। उन्होंने ट्वीट किया कि मैं स्वीकार करता हूं कि फिल्म आदि पुरुष से जन भावनाएं आहत हुई हैं। अपने सभी भाई बहनों, बड़े पूज्य साधु संतों और श्री राम के भक्तों से मैं हाथ जोड़कर बिना शर्त क्षमा मांगता हूं। भगवान बजरंगबली हम सब पर कृपा करें। हम एक और अटूट कर अपने पवित्र सनातन और महान देश की सेवा करने की शक्ति दें। आदि पुरुष का विवाद कोर्ट तक पहुंच गया है। इलाहाबाद हाई कोर्ट की लखनऊ पीठ ने निर्देशक ओम राउत, निर्माता भूषण कुमार और डायलॉग राइटर मनोज मुंतशिर को तलब किया है। अदालत ने इस बात पर जोर दिया है कि फिल्म में हिंदू देवी देवताओं को जिस मजाकिया तरीके से चित्रित किया गया है वह घटिया है। तीनों को 27 जुलाई को मामले की अगली सुनवाई के लिए पेश होने के लिए कहा गया है।